यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड में लॉस हो सकता है कि नहीं। जैसा कि आप एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते होंगे, उसमें बताया जाता है कि कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन साथ में अंत में आपको बताया जाता है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो बाजार के जोखिम से भरा हुआ है। यहाँ पर आपका पैसा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये क्यों बताया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मैं अभी आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को देखकर आप पूरा ओवरऑल मार्केट डिसाइड कर सकते हैं कि अप है कि डाउन है। तो यहाँ पर एग्जांपल के रूप में देखिए, मैक्सिमम चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखिए, 2007-08 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इन्वेस्टर्स को। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर मार्केट 5300 था और 5300 डायरेक्ट 2700 आ गया था। मान लेते हैं अगर किसी इन्वेस्टर ने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया था 6200 के पॉइंट में, और उन्होंने देखा मार्केट में लॉस हो रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, तो वो यहाँ पर एग्जिट कर जाते तो उन्हें लॉस होता। यहाँ पर फिर से देखिए, कोरोना के समय में भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ था। जैसे देखिए, अपने हाई से जैसे कि 12200 के पॉइंट से डायरेक्ट 9000-8000 के पॉइंट पे भी आ गया था, और कहीं कहीं पर तो आपको 6000 पे भी मार्केट दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर वो भी इस समय एग्जिट कर देते तो उनको लॉस होता, लेकिन जो इन्वेस्टर यहाँ पर लंबे समय तक बने रहे उनका लॉस नहीं हुआ। जैसे कि देख पा रहे, यहाँ पर 5900 से आज 22000 पॉइंट पे निफ्टी है, और यहाँ पर 12000 से आज 22000 पॉइंट पे निफ्टी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में लॉस नहीं हो सकता। मान लेते हैं अगर कोई देश ग्रो नहीं कर पाया, उसका जीडीपी ना बढ़े, तो इस केस में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा रिटर्न कमा कर नहीं देगा। जैसा कि एग्जांपल में जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रिटर्न कमा कर देता है अपने इन्वेस्टर्स को। वहाँ के इंडेक्स को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर जैसे देखिए, जापान का मैं आपको इंडेक्स शो कर रहा हूँ, मैक्स चार्ट यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, 1992 में जो इन्वेस्ट किया था उनका पैसा 2009 तक माइनस में हो चुका था। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब कोई कंट्री एकदम ख़राब परफॉर्म करे और उनका जीडीपी का रिजल्ट एकदम ख़राब आता जाए साल पर साल। इस केस में यहाँ पर स्टॉक मार्केट ओवरऑल में ख़राब काम कर सकता है और पुराने इन्वेस्ट किए पैसे को माइनस में भी ले जा सकता है। तो इसलिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कंसल्ट कर सकते हैं तो ज़रूर उनसे कंसल्ट करके मार्केट में इन्वेस्ट किया करिए। और अगर खुद से इन्वेस्ट कर दे तो अच्छे से एनालाइज करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया करिए या फिर कहीं भी इन्वेस्ट किया करिए।